पहली बार शिवम लुंगी पहन। भैया काहे कहते हैं जी, तेज तेज आ रहा है। हम पी ले लिया। खाना बनाना है अभी हमको। सर्वांगे हरचम छुल। पापा ने बोला बाछी दान करना है ऐसा। समर्पयामि भूर्भुवः स्वः श्री गणेशं मिताभ्यां नमः। ओम सर्वायामि ब्रह्मणा वंदमान सदासास्ते जजमानो हविर्विहीयाहेडमानो वरुणोधिरुसगुं समानयायुः क्रमोगिः। बोलियों अस्मिन् कलशे वरुणम। अभी मैं जा रही हूँ, ये दो धोतियाँ हैं इनको धो के सुखाने के लिए, क्योंकि शिवम और मंगल पहनेंगे। तो अभी अपने घर पे पूजा शुरू हो चुका है। जैसा कि आपको पता ही है कि आज पूजा होने वाला था, तो पूजा शुरू हो चुका है। हम सब लोग नहा चुके हैं, लेकिन अभी कपड़ा चेंज करने वाले हैं। तो देखो सामने पूजा हो रहा है और यहाँ पे पूजा खाना बना रही है। और हमें अभी अभी खबर मिला है कि बाहर हमारे कोई सब्सक्राइबर आए हुए हैं, तो चलो चलते हैं और उनसे मिल के आते हैं। एक्चुअली अभी हमारे घर पर पूजा हो रहा है, तो इसलिए हम लोग बस खाली मैं ही आया, अभी बाकी सब लोग पूजा में व्यस्त हैं। अभी जो है सबसे खतरनाक वाला फेज है ये है पंचगव। मम्मी पीने वाली है, मम्मी पी के दिखाओ। आपको खाना बनाना है, बाद में हम पी लेंगे। पीना पड़ेगा पूजा। मैंने पी लिया, मैंने पी लिया। हम पिए थे एक बार, मेरी जिंदगी नरक हो गई थी। खाना बनाना है तो नहीं नाचा, पावन का सामान तैयार कर रहे हैं। ऐसे नहीं पूजा नहीं, पूजा पूजा पानी नहीं। अच्छा पानी पी सकती है। खाना बनाना है अभी हमको। भाई मैंने भी पिया, बाप रे। सब लोग सुपर बड़ा हम ना? नहीं हाँ। एक, तो अगर आपको पता नहीं है ये क्या था, तो मैं बता दूं, ये ना ये काइंड ऑफ चनामृत जैसा होता है ना, ये गाय के ना पांच प्रोडक्ट से बना हुआ ये चीज होता है, जो कि गाय का गोबर था भाई, बहुत पत्तू है इसका, जो कि पूजा में यूज हुआ। तो पूजा होने के बाद इसको प्रसाद के तौर पे खाते हैं। इसमें गोबर, गौमूत्र और क्या क्या, घी, दूध, दही, ये सब मिला के बनाया जाता है। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है, हद से ज़्यादा। मैंने खा लिया तब वीडियो ऑन नहीं था, मतलब एकदम छोटा सा ड्रॉप खाया है इसका बस। और देखो पूजा क्या हाल हुआ। जिंदगी में दूसरी बात का पंचगव बहुत ही ज्यादा वो होता है। हाँ, इसको पंचगव बोलते हैं। ये देखो क्या हो गया, ये क्या हो गया। यूट्यूब जी बैठे थे ऐसे विश्राम करके मेरे। तुमने भी खाया ना पंचगव? हाँ यार खाया मैंने। तो भाई अभी लगता है बारिश होने वाली है। बारिश हो गया तो समझ लेना कि सब कुछ एकदम शुभ रहा। बारिश हो गया भाई, बारिश 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 हो गया। मम्मी तुमने पिया, तुमको कुछ भी नहीं हुआ ना? कुछ भी नहीं हुआ, हम एक गिलास पी ले हुए हैं। और हमको कह रहे हैं कि पंडित जी हाथ पी बना। हवा चल रहा है, हवा। ऐसा कहते हैं ना कि पूजा के टाइम पे अगर बारिश हो जाए तो सब कुछ और अच्छा हो जाता है, मतलब और शुभ हो जाता है। तो अभी गिननी जा रही है पूजा करवाने के लिए। हम लोगों का ना अभी धोती पहनने का प्लान था, अब ये धोती सूखा ही नहीं है यार, कैसे पहनेंगे हम लोग। और बारिश भी देखो एकदम तेज तेज आ रहा है। क्या तो रामराज जी काफ़ी देर कहने के बाद फाइनली खाने में लग चुके हैं। और ये अभी वापस से पापा से डांट सुनने वाले थे, मैंने बचा लिया, क्योंकि जो आपने बांस काटा है ना झंडे में लगाने के लिए, ये लगे टांग जल रहा है इनका। अब ये थोड़ी देर में गुस्सा करने वाले हैं, बहुत भयानक गुस्सा। तो यहाँ पे देखो ये लड़की खाना खा रही है, क्योंकि ये है बीमार और इसे रहा नहीं गया, और खाना बना नहीं है तो खाली चावल और दही खा रही है, पांडा का खाना खा रही हूँ। तो अभी ना झंडा लगाने के लिए पापा ने मुझे और मंगल को बुलाया है। तो ये एक भैया वापस से हमसे मिलने के लिए आ चुके हैं। अभी सुबह से तीन लोग आ चुके हैं और आप भी एक। आपका नाम क्या है वैसे? राहुल कुमार। राहुल कुमार ना? हाँ। ठीक है राहुल जी, थैंक यू। ओके। कितने सारे लोग आए हैं आज पता है सुबह में, और हम ना आज लोगों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आज हमारे घर पे पूजा हो रहा है। तो यहाँ पे झंडा लग चुका है। जी बोलिए। गिलहरी पांडे के देख ला। गिलहरी पांडे हम ही है ना? ऐसे काहे कहते हैं जी? अभी तो आप हमको कह रहे हैं रुखी पांडे। तो रुखी का मतलब ही तो गिलहरी होता है, गिलहरी मतलब रुखी।
झंडा गाड़ दिया उसमें ना उसका बांस का ना आठ बोल तो नहीं की कोने कोने का करे ला ये ना अपने पापा के ही एज के हैं तो लगभग दोस्त जैसे भी हैं लेकिन डरते भी बहुत ज्यादा हैं। तो अभी देखो हम लोग ना पंडित जी के लिए ना ये दही का शरबत बना रहे हैं। अभी थोड़े ही देर में हवन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और यहाँ पे रामराज और पूजा दोनों ही खाना बनाने में लगे हुए हैं। आलू ज्यादा गर्म तो नहीं है ना रामराज जी? आलू ज्यादा गर्म तो नहीं है ना? छू करके देखिए, हाथ धो लीजिए, आइए छू करके देखिए। नहीं नहीं हम नहीं छुएंगे, मुझे पता है बहुत गर्म है और आप में सहने की शक्ति बहुत ज्यादा है, फिर भी गर्म बहुत ज्यादा ये दिख रहा है। आज आलू दम बनने वाला है क्या? आप बनाएंगे? फिर आपको नहीं आते बनाने? पूजा दीदी बनाएगी। हाँ वही तो, आपके बस का नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं। तो देखो यहाँ पे परवल रखा हुआ है, यहाँ पे आलू, यानी कि आलू दम ही बनने वाला है। पहले तो मैंने गेस किया था, अभी कंफर्म हो गया। और यहाँ पे देखो दूध यानी कि खीर बनने वाला है। खीर बनने वाला नहीं है, खीर बन रहा है ऑलरेडी। तो अभी बारिश बंद हो गया तो मैं वापस आया हुआ हूँ धोती को सुखाने के लिए। इसको सुखाने के बाद हम लोग पहनेंगे। तो जैसे ही मैंने धोती टांगा ना वैसे ही धूप आ गया। क्या खतरनाक बादल दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो अब ना बस 10-15 मिनट का इंतजार करेंगे और ये धोती सूख जाएगा। तो मंगल पहुंच चुका है धोती उतारने के लिए। दोनों लेके आना दोनों। हाँ वाह बहुत सुंदर लग रहे हो। चलिए पहली बार शिवम लुंगी पहन रहा ना। हाँ शिवम एक बार और पहना था लेकिन उल्टा पुल्टा पहना। छठ पूजा के गाने वाले में गाने में चलो हो गया। वाह हीरो लग रहे हो आप तुम। और शिवम आज मंगल को ज्यादा बिजी बिजी नहीं है? पता नहीं मंगल बहुत ज्यादा बिजी है। अब ये इनको चैन ही नहीं है, ये कभी कुछ और तो कभी कुछ और कर रहे हैं। अरे यार अभी तोड़ दिया इन्होंने। भाई मेरा और मंगल का पूरा दिखा ऊपर से नीचे तक। चलो पंडित जी बुलाए। जाओ 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 तुम लोग जाओ। ओम कस्तूरी तिलकम लाड पड़ले अक्षतले कोतुम नाथ सागरम तेम करतले वेणु कडे कंकणम सर्वांगे हर्षमसुलते कंठ चमकवले गोपस्त्रे पर विष्टिक विजेते गोपाल चुडामणि हरे अम्मा सत्य नैन्द्र विदतरा सत्यन गोखा विद वेदा सत्यन तारी छोरी तने भी सत्यन बृहस्पति तथा तो अभी इन लोग को बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा था। तो ये देखो मंगल को जनेऊ जनेऊ पहनाया जा रहा है। ॐ वायवे स्वाहा ॐ सोमाये स्वाहा महामयानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपतव भुव महाभागस्तावरणे तनयोरवे स्वाहा स्वाहा प्रत्यतैर्भवेत्कान् भोगानुपलब्धति ममानुगदानितं प्रसाद जनभोजनैः स्वाहा प्रत्युम स्वाहा मनोव्यागतो दुःख। तो अभी ना आधा घंटा से ऊपर हो गया है, शिवम मंगल वहीं बैठे हैं और हवन कर रहे हैं। तो अभी मैंने ना लगभग एक घंटा हवन किया है और हवन करके मजा आ गया और पसीना देखो कितना निकला है। यहाँ पे देखो मंगल अभी भी हवन पे बैठा हुआ है। मैं पहले उठ गया, मंगल नहीं उठा। ये लड़का इतना कंफ्यूज हो रहा है धोती पहन के। शिवम आदत डाल लो, क्योंकि ना ये घर का रिवाज है जो तुम और मंगल काफी टाइम से फॉलो नहीं कर रहे थे। आई बात समझ में? अरे उसको कम्फर्टेबल करो, देखो पहनाने वाले ने तो तुम्हें पहना दिया, अब कम्फर्ट में आना तुम्हारा काम है ना। थोड़ा सा कंफर्टेबल करो, पैर वैर थोड़ा सा स्ट्रेच करो, ऐसे ऐसे, समझ आई बात? हाँ। तो यहाँ पे देखो खाना अभी तक इतना बना हुआ है, सब्जी अभी भी बनी रहे जो कि मैंने बोला था, आलू दम बन रहा है परवल के साथ और बाकी यहाँ पे देखो पूड़ी भी है। अभी धूप बहुत ही खतरनाक है। हाँ मिट्टी लेके आना है, आपको काम मिला है मिट्टी लेके आने के लिए। तो अभी ऑलमोस्ट 2 घंटा होने को है और मंगल अभी भी हवन पे बैठा हुआ है। महाराज जी
शिवम ये तुम क्या कर रहे हो बछड़े को लेके? बछड़ा नहीं बाछी है ये। हाँ हाँ बछिया को लेके क्या कर रहे हो तुम? पापा ने बोला बाछी दान करना है, ऐसा करना, गिफ्ट करना है किसी को, पंडित जी को, है ना? ठीक है, तो आप लोगों ने थोड़ी देर पहले हम लोगों को देखा होगा कि गौ अर्घ हम लोग पी रहे थे और अब हम लोग गौ का दान भी कर रहे हैं। शिवम चला रुको, तुमसे एक बछिया कंट्रोल नहीं हो रही है। शिवम से बछिया कंट्रोल नहीं हो रही है, इसने इसको बहुत घुमाया है। ओम गो अग्रपादाभ्याम नमः, अगले पैर पर डालो बाबा। ओम गो पूछाये नमः, पूछ पे तो अभी यहाँ पे ना हवन कंप्लीट होने के बाद ना पानी छिड़का जाता है, तो मंगल अभी पानी छिड़क रहा है। अरे धोती पलट के खोल मत लेना भाई तुम। तो अभी पूरे घर के पूरे कैंपस में चारों कोने पे मंगल जाके ऐसे ही पानी छिड़कने वाला है, अपने एरिया को शुद्ध बना रहा है। तो फाइनली हवन कंप्लीट हो गया और मंगल लगभग 2 घंटा से भी ज्यादा हवन किया है। जय पंडित जी का धोती खुल गया था मालूम है तुमको? हाँ हाँ सही में खड़े हुए थे, ये तो कह रहे कि धोती ऐसा ही है, खुलता रहता है। पंडित जी की धोती खुल गया? हाँ उस टाइम पे खुल नहीं गया था। तो यहाँ पे देखो खाना ऑलमोस्ट बन चुका है। ए भाई अभी तो लोगों को खाने की परमिशन नहीं है, तुम कैसे खा रही हो भाई? गाय के लिए खाना निकाल रही हूँ मैं, सबसे पहले गौ माता को खाना दिया जाता है। ये है मेरी सब्जी, देखो इधर अभी दिख रहा है इसका ओरिजिनल रंग। सबसे पहले खाना जो है वो गौ माता को जाता है, तो मैं उनके लिए खाना निकाल रही हूँ। धूप देखो कितना खतरनाक है, तो अभी बहुत ही भयानक धूप है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मुझे ना एक चीज़ प्लीज़ बता देना, क्या मैं धोती में अच्छा दिखता हूँ? क्योंकि मैंने पहली बार पहना है और मुझे सच में जानना है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि तुम धोती वगैरह पहना करो, घर में भी मम्मी बोलती है। तो मैं और मंगल हम दोनों ने पहना था, तो हम दोनों के ऊपर ये कैसा लगा प्लीज़ ये चीज़ कमेंट करके बता देना। तो आज का ये वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त, आपसे मिलते हैं कल दोबारा एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।